हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल देगे और ISO 9001 2015 की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन की। तो देखिए दोस्तों, क्लॉज नंबर 4 में हमने बात करी क्लॉज नंबर 4 में हमने बात करी थी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमने उन फैक्टर्स का या उन इश्यूज का पता लगाने की कोशिश करी जिनकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क जनरेट होती है, यानी हमने रिस्क का पता लगाने की कोशिश करी। अब इस रिस्क के साथ साथ हमें वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी पता चली, है ना। यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज नंबर 4 के जरिए हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पता करने की कोशिश करी। इसके बाद बात आती है क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 5 जो लीडरशिप की बात करता है। यानी हमने इसमें लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात करी, और ये लीडरशिप किस चीज के लिए शो करी जाएगी? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। टॉप मैनेजमेंट ये लीडरशिप शो करेगा कि वो कमिटेड है इन रिस्क को कम करने और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी क्लॉज नंबर 4 में रिस्क अपॉर्चुनिटी पता करी, क्लॉज नंबर 5 में लीडरशिप के थ्रू ये बात करी कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी पर काम किया जाएगा। अब जब ये बात हो गई तो क्लॉज नंबर 6 आता है। क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग की बात करता है। किस चीज की प्लानिंग? इन रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पर काम करने की प्लानिंग। यानी ये जो लीडरशिप है ये रिस्क और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करने की अब प्लानिंग करेगी। टॉप मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर प्लानिंग करेगा। क्लॉज नंबर 6 में हमने क्लॉज नंबर 7 में हमने बात करी सपोर्ट की। अब जब आपने प्लानिंग कर ली है कि आप इस रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पर काम करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्ट में टूल्स लगेंगे, कुछ सपोर्ट में आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जिनकी बात क्लॉज नंबर 7 में करी गई। अब इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 8 और ये बात करता है ऑपरेशन की। और क्या ऑपरेशन आपको करना है? जो कुछ भी आपने प्लान किया है ये रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को कम करने के लिए, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पे काम करने के लिए, उसको अब इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है, उसके ऊपर अब ऑपरेट करने का समय आ गया है। ये क्लॉज नंबर 8 आपसे कहता है विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस या विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। तो यहां तक ये सारी बातें होती हैं 4, 5, 6, 7, 8। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। तो देखिए, अब हम बात करेंगे क्लॉज 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की। इस क्लॉज में स्टैंडर्ड कहता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए जो भी आपने प्रोसेस 4.4 में तैयार करी थी, अब आप उन्हें प्लान करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें और उन्हें कंट्रोल करें। यानी यहाँ पे कुछ बातें जो शब्द निकल कर आते हैं, ये कहता है प्लान, इम्प्लीमेंट और इसके बाद कंट्रोल। ये तीन शब्द यहां से निकल कर आते हैं। और ये आपको किस चीज के लिए करना है? प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस? जिनकी बात आपने क्लॉज नंबर 4.4 में करी है। और ये क्यों करना है? क्योंकि आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, उन्हें अचीव करना है। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपने जो प्रोसेस बनाई है अब उन्हें आप प्लान करिए, इंप्लीमेंट करिए और कंट्रोल करिए। ये सारी बातें इस क्लॉज में आपसे कही गई हैं। और इसके अलावा जो एक और काम आपको करना है कि जो क्लॉज नंबर 6 की बात हुई थी, प्लानिंग वाला क्लॉज, इसमें जो हमने प्लानिंग करी थी, इस प्लानिंग को भी अब आपको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है कि ये जो प्लानिंग थी अब आप इसे इम्प्लीमेंट करिए। इस क्लॉज के थ्रू, क्लॉज 8.1 के थ्रू स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है, अब जब आप इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अब हम उस चीज़ को समझते हैं कि वो क्या है जिसके बारे में स्टैंडर्ड कह रहा है या क्लॉज कह रहा है। तो क्लॉज सबसे पहले ये कहता है कि आप जब प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेस है, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी हैं उनकी रिक्वायरमेंट को आप पता करें। ऑब्वियसली जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट की ज़रूरतें क्या है, प्रोडक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या उसमें टेस्टिंग की ज़रूरत है, क्या क्या उसमें इंस्पेक्शन हमें करना है, हम कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट पता करिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की। जब आप प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पता कर लेते हैं तो आप अपनी प्लानिंग जो आपने करी है क्लॉज नंबर 6 में, उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के बारे में। इसके बाद जो अगली चीज वो कहता है कि आपको क्राइटेरिया बनाना है, क्राइटेरिया आपको बनाना है, क्राइटेरिया आप सेट करिए।
और एक क्राइटेरिया किसके लिए सेट करना है, सबसे पहले वो कहता है प्रोसेस के लिए आप क्राइटेरिया सेट करिए, और दूसरा वो कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप क्राइटेरिया सेट करिए, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो प्रोडक्ट और सर्विस है आपकी उनका एक्सेप्टेंस कैसे होगा उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया सेट करना है। अब इसे समझिए, देखिए आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे, क्राइटेरिया सेट करिए, किस चीज़ के लिए, प्रोसेस के लिए। यहाँ प्रोसेस के लिए क्राइटेरिया सेट करने से मतलब ये है कि जब मेरी कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, मैं किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस के पैरामीटर्स क्या होंगे, वो क्राइटेरिया आपको सेट करना है। क्राइटेरिया से मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट क्या है जिस पे वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगी, वो पैरामीटर्स क्या है जिनके ऊपर वो प्रोसेस परफॉर्म करेगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे टेम्परेचर एक मेरा पैरामीटर है, तो टेम्परेचर कितना होगा वो क्राइटेरिया आप फिक्स बताइए, उस क्राइटेरिया को आप फिक्स करिए, उस क्राइटेरिया को सेट करिए कि कितना क्राइटेरिया चाहिए, क्या मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो ये प्रोसेस का एक क्राइटेरिया हो गया। इसी तरह प्रेशर, प्रेशर कितना चाहिए, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया सेट करिए प्रोसेस के लिए। इसके बाद आपको क्राइटेरिया सेट करना है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका प्रोडक्ट बन के आ गया, मान लीजिए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जब बन के आ गया तो इसे मैं किस कंडीशन में एक्सेप्ट करूँगा, उसका क्राइटेरिया भी आपको सेट करना है, ठीक है। यानी इसकी कितनी लेंथ होगी, इसकी ओडी कितनी होगी, इसकी डेप्थ कितनी होगी, है ना, ये डेप्थ है तो ये कितनी होंगी, ये सारा क्राइटेरिया आपको सेट करना है। दो चीज़ें तो ये होती हैं। इसके बाद वो बात करता है कि जो रिसोर्सेस हैं, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज जो हैं, MMR के लेते हैं हम, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस, ये आप पता करिए। जैसे मैंने कहा कि सूटेबल होना चाहिए, यदि मुझे इसका ओडी चेक करना है तो मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है कि मैं माइक्रोमीटर यूज़ करूं। अब इसके लिए जो माइक्रोमीटर चाहिए वो एक मेजरिंग रिसोर्स है और वो मेजरिंग रिसोर्स करेक्ट है, तो जो जरूरी है, जो करेक्ट है, जो सूटेबल है, उन्हीं मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाए, इंश्योर की जाए। ये चीज़ इस क्लॉज में कही गई है। जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा ना हो जाए कि जहां माइक्रोमीटर चाहिए वहां वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए आपसे ये क्लॉज कहता है। इसके बाद जो अगली चीज़ ये क्लॉज कहता है, क्लॉज आपसे कहता है कि अब आप ये चेक करिए कि जो प्रोसेस है वो एज पर रिक्वायरमेंट चल रही है या नहीं चल रही है, यानी जो प्रोसेस आपकी परफॉर्म हो रही है उसे आपको कंट्रोल करना है। देखिए यहाँ पे आपने बात करी क्राइटेरिया बनाने की, आपने क्राइटेरिया बनाया प्रोसेस के लिए, आपने कहा 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें प्रोसेस का टेम्परेचर चाहिए। अब आपको उसे कंट्रोल करना है, अब आपको उसे चेक करना है कि क्या वो वैसा ही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी आपके पास एक टेम्परेचर मीटर होना चाहिए, ठीक है, और ये टेम्परेचर मीटर की बात हमने यहाँ पर करी कि जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है सुटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, वो उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए, ठीक है। तो जब ये आ गया आपके पास, आपको पता चल गया कि मुझे टेम्परेचर मीटर चाहिए और वो टेम्परेचर मीटर कम से कम इतनी रेंज नाप सके, इतनी रेंज को मॉनिटर कर सके, ठीक है, ये आपने क्लॉज पॉइंट नंबर 3 में इस चीज़ को क्लियर कर लिया। अब आपको देखना है कि प्रोसेस वैसा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, इसे आपको चेक करना है, इसे आपको कंट्रोल करना है। तो पॉइंट नंबर 4 में ये बात कही गई है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये कहता है, जो कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है या कोई रिकॉर्ड बनाना है या कोई प्रोसीजर बनाना है, आप इन सभी को बनाएं, इन्हें मेंटेन करें और साथ ही साथ इनके लिए एक रिटेंशन पीरियड भी फिक्स करें। इनके लिए एक रिटेंशन पीरियड भी आपके पास फिक्स होना चाहिए, आपको इसका एक रिटेंशन पीरियड भी बनाना है, ठीक है। ये बात आपसे इस क्लॉज में कहा गया है, कही गई है। इसके अलावा ये क्लॉज आपसे एक और बात जो कहता है, वो ये कहता है कि आप जब भी ये पाते हैं कि प्लानिंग में कोई चेंज हुआ है, आपने प्लानिंग को ही एग्जीक्यूट करने की बात कही है, अब यदि सपोज इसी प्लानिंग में कोई चेंज हो जाता है, तो इस चेंज को लेकर भी आप अपने लोगों को अवेयर करें और इस चेंज को भी आप कंट्रोल करें। यानी इस चेंज
को भी आपको चेक करना है। ऐसा ना हो जाए कि प्लानिंग में कोई चेंज हो गया और आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, यानी पहले बात हो रही थी 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री की, इसके बाद चेंजेस आ गए और बात कही गई कि 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन आपने इस चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करी। कैसे नहीं करी? आपने जो टेम्परेचर मीटर लाया वो आज भी आपके पास पुराना ही है, जो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैक्सिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर कर सकता है, या हम ये कह लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर कर सकता है ना। तो ऐसा ना हो जाए, तो प्लानिंग में जो चेंजेस हुए हैं उन्हें भी आपको कंट्रोल करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते समय इन 5 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर प्लानिंग में कोई चेंज हो जाता है तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। हमने समझा कैसे वो चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस आप आउटसोर्स करवा रहे हैं, आप अगर सप्लायर से कुछ प्रोसेस करवा रहे हैं, कुछ बाहर से प्रोसेस अगर आप आउटसोर्स करवा रहे हैं, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। यानी यदि मान लीजिए कोई प्रोसेस आपने बाहर से कही कि आप चाहते हैं कि सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग आप बाहर से कराएं, तो उसे भी चेक करिए। या मान लीजिए आपने कोई प्रोसेस करवाई बाहर, सपोज कोटिंग की, अब वो कोटिंग इस पर रिक्वायरमेंट हुई या नहीं हुई, इसे चेक करिए, इसे कंट्रोल करिए। तो जो कुछ भी आउटसोर्सिंग की प्रोसेस हो रही है उन्हें भी आपको कंट्रोल करना है, उन्हें भी चेक करना है, ठीक है। इसके बाद अगली एक और जो चीज़ है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी आपका प्लानिंग का आउटपुट आएगा, प्लानिंग का जो भी आउटपुट निकलेगा, आउटपुट ऑफ प्लानिंग, वो बड़ा सूटेबल होना चाहिए। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी प्लानिंग का आउटपुट निकलेगा ये ऑपरेशन के लिए इनपुट का काम करेगा, तो ये सूटेबल होना चाहिए, ये आउटपुट जो ये सूटेबल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। क्योंकि जो भी यहाँ से आउटपुट निकलेगा ये ऑपरेशन में इनपुट की तरह काम करेगा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखा जाए। तो ये तो बात हुई क्लॉज नंबर 8.1 की। हमारा आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा इसको लेकर। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।